ऑलमोस्ट 10 दिन पहले आए थे, ठीक है। तो लोगों ने कुछ डिमांड्स रखी थी, मैं सबसे पहले उनका जायजा लूंगा। ठीक सर, विजय जी ने 4 सड़कों का बताया था, उन्होंने आज भी 3 सड़कों का मेंशन किया है। सबसे पहले गाईभाटा वाया दीवालकोंड बींग एग्जीक्यूटेड बाय RNB अंडर CRF। तो RNB से कौन है यहाँ पे, आगे आ जाए। इसकी क्या प्रोग्रेस है बताएं, पहले आप बताएं आपने क्या जायजा लिया था। सर इस रोड का काम चल रहा है, ये थाना गई से सर गई तक पहुंच गई, थाना तक पहुंच गई है सर। अब उसके बाद सर इसको एक्सपेडाइट करने की जरूरत है सर, जो काम सर्दी आने से पहले जितना ज्यादा काम हो पाए तो उसमें सर डिपार्टमेंट को एक्सपेडाइट करने की जरूरत है। काम चल रहा है लेकिन CRF में काम चल रहा है सर। इसमें आदाब सर, सर इस रोड का काम चल रहा है, ये 2018 में सैंक्शन हुई थी सर, उसके बाद में फॉरेस्ट की प्रॉब्लम थी सर इसमें, तो वो इस साल अभी 2-3 महीने क्लियर होगी सर। उसके बाद सर हमारा तकरीबन यहाँ से आगे 2.5-3 किलोमीटर जो है वो आज तक चल रहा है सर। तो हम तेजी में सर थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है, कुछ जमींदार लोग हैं वो कहीं रुकावट करते हैं कि हमें कंपनसेशन की प्रॉब्लम है, कभी कोई मकान शकान, तो उसका हम साथ साथ देख रहे हैं सर, लेकिन काम चल रहा है सर। तो हम कोशिश करेंगे, कटिंग चल रही है जी, कटिंग सर, और ये है ही आपको फेयर वेदर है सर, अभी ये जो स्कीम सेंक्शन है सर ये फेयर वेदर तक ही है सर। सर इसको हम 2024 में खत्म करेंगे सर। 24 के कौन से महीने में, जून तक सर कोशिश करेंगे हम इसको 10 किलोमीटर, ये हमारी रोड लाइन है सर, 10 किलोमीटर तक हो जाएगी सर। इसमें सीडी वर्क्स है, सीडी वर्क्स है और बॉलिंग है सर, और सिर्फ अर्थ कटिंग है सर, बाकी सीडी वर्क्स और बॉलिंग है। जी सर, जी सर। कितनी विड्थ रहेगी हमारी, 6 मीटर की विड्थ है सर। 6 मीटर जी सर। अटेंड कर पा रहे हो? जी सर, जी सर बिल्कुल, हम यहाँ से। लोगों की क्या इश्यूज आ रहे हैं विजय जी? लोग सर, एक लेडी है उसने काम बंद किया हुआ था, वो कहते हैं कि पहले रेवेन्यू डिपार्टमेंट आए हमारे कागज बनाए, तो हमें कोई इशू नहीं, सिर्फ हमारे कागज बना के दे तो हमें कोई इशू नहीं है। तो हमने जनाब वो जॉइंट इंस्पेक्शन के लिए भी चिट्ठी लिखी है, सब कुछ किया है सर। जी सर, अगर किसी का मकान आ जाए तो आप रेस्ट कॉल तो दे ही सकते हो। रेस्ट कॉल तो हम देंगे सर डेफिनेटली, लेकिन हम कंपनसेशन भी अगर कोई आ रहा है तो उसका भी बना रहे हैं सर। आप देखिए CRF है, उसमें कंपनसेशन का कंपोनेंट नहीं होता है, ठीक है। आप बना दोगे बाद में उनको वादा कर दोगे दे नहीं पाओगे, अभी सिर्फ उनकी प्रोटेक्शन वर्क्स करिए। आप कंसर्न इंजीनियर है, बताइए क्या इशू आ रहा है एग्जैक्टली। सर नमस्कार सर, उसमें एक लेडीज है, उनका मकान डैमेज हो सकता है, उसके लिए हम बना सकते हैं, मगर फिलहाल उनको कोई भी मतलब रोड से कुछ बहुत दूर है, वो कोई 30 मीटर पर मकान। अगर आप रिटेनिंग वॉल दे देंगे, वो बच जाएगा, दीवार को ऊपर प्रेस वॉल दे दें तो काम हो जाएगा, वो बच जाएगा, मगर वो मशीन हमारी उधर रोक के रखी, उन्होंने 8-10 दिन हो गए। तहसीलदार साहब उसका सोल्यूशन निकालिए, ठीक है। आप कल ही विजिट करेंगे स्पॉट पे, कल आपका ही काम शुरू होना चाहिए। विजय जी हमारे जो लोकल लीडर्स भी हों उनकी भी बोले आगे, ठीक है। आप सबको पता है जितनी हमने बातचीत की यहाँ पे, सबसे बड़ा मुद्दा सड़क का है। अगर कोई सड़क आई है तो उसका बनना जरूरी है, जब तक आप सड़कें नहीं बनाओगे तब तक फिर वही चारपाइयों वाले ही सिस्टम चल रहे हैं, और फिर वही जैसे आपने बोला सोशल मीडिया पे आ रहे हैं सारी चीजें। तो जब तक आप लोगों का हमें सपोर्ट नहीं मिलेगा हम सड़कें नहीं बना पाएंगे। अभी जो CRF के प्रोजेक्ट्स हैं, सेंट्रल रोड फंड होता है, ये वो होता है जो हम पेट्रोल वगैरह खरीदते हैं उसमें कुछ टैक्सीस लगते हैं, वो टैक्सीस से जो पैसा इकट्ठा होता है उसी से सड़कें बनती हैं, तो इसमें कॉम्पनसेशन वाला कॉम्पोनेंट होता नहीं है। तो आप लोगों को आपस में समझाएं और इंश्योर करें कि हमारे इंजीनियर्स का साथ दें, ठीक है। सेकेंड रोड नबार्ड वाली रोड फ्रॉम गई टू पंजन वाया ग्रामीण, ये CRF में बन रही थी सर, ये CRF में इसका प्रोजेक्ट किया था, हमारे लिए सैंक्शन नहीं हुई थी क्योंकि CRF हमारा क्लोज हो गया, उसके बाद इन्होंने जो बोला कि इसको नबार्ड में कन्वर्ट किया जाए, मगर सर नबार्ड की जो गाइडलाइंस है वो यही कहती है कि ये फॉरेस्ट इसमें नहीं आना चाहिए, और इसमें से 60% फॉरेस्ट है, तो उसका ये एक पार्ट जो इन्होंने बोला कि 3 किलोमीटर आप बना सकते हैं, उसके लिए सर कोई डीओ लेटर आई नहीं है सर। 20% है वो बात करी है तो वो करते हैं, मगर सर गाइड यही नहीं, आप यहाँ से फौजी गली तक कुछ नहीं है, उसके पीछे वहाँ से डोन चले जाओगे तो वहाँ जो जमीने हैं वहाँ कुछ नहीं। विजय जी आपका कौन सा बंदा जाएगा साथ में? मैं सर, सर मुझे बताएं। चलो ठीक है, इनको साथ ले जाओ, DIP साहब आपका कौन जाएगा?
ब्लॉक ऑफिसर कौन है? फॉरेस्टर आप हैं? रेंजर आप? बीजेपी और इंजीनियर आप? विद इन नेक्स्ट 3 to 4 डेज आप एक राउंड में जो भी है इनकी अलाइनमेंट वगैरह सेट करें, देखिए कितना फॉरेस्ट आ रहा है, ठीक है? अगर 20% आ रहा है 20% परमिसिबल होता है? सर गाइडलाइंस तो यही कहती है कि नो कम्पेंसेशन फॉर नंबर, नो कम्पेंसेशन फॉर पीपल, बट डिपार्टमेंट को तो दे सकती है ना? वो चीज आप पढ़ लीजिए, 2-3 दिन लो, फिर उसके बाद एक ज्वाइंट विजिट करें। ये मेरे मिनट्स में जाए डीपीओ सर, मिनट्स में ये सर एडी साहब कर रहे हैं, एडी साहब लिख लो ये चीज, ठीक है? 2 दिन ये वगैरह पढ़ेंगे, उसके बाद दे विजिट द स्पॉट फॉर ज्वाइंट इंस्पेक्शन, और उसके बाद ये बाय अ वीक मुझे बताएंगे कि इसका क्या होगा, ठीक है? थर्ड बिमना टू मलान, ठीक है? आरएमपी जाइए, पीएमजीएसवाई एग्जिट साहब, बिमना टू मलान माया शिकली, ये पीएमजीएसवाई 4 में सर, नबार्ड के बीच में सर वो करना है इसका सर्वे, मैंने बोला अगर हमारे पास लोग आते हैं फिर उनको बोला हम कर देंगे सर, नहीं ये पीएमजीएसवाई 4 में कवर किया है? नहीं सर इसमें है नहीं सर, इसमें नबार्ड में हमें अनकनेक्टेड हैबिटेशन में हमें बोला गया सर। सर ये जो जिस प्रोजेक्ट की बात कर रहे हो ना, ये दूसरा है, ये वहाँ के लिए है, आपके सीना भट्टी के लिए, पोगल के लिए, ये वो है, ये जो हम कह रहे हैं कि भीमना टू मलान बाय सेंथली, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। सर हमारे सर वो आपके पीछे इंजीनियर है, वो उनसे बता रहे हैं, उनसे बात करो, ये कुछ बोल रहे हैं, बताओ सर। 4 में है ये जो हमने यहाँ से फोर का गया है उसमें ये वाला है अप्रूव हुआ है? अप्रूव नहीं सर, अभी 4 का कोई भी अप्रूवल वहाँ से आया नहीं। आपको एक गली टू 4G गली जो है ये आया है ना आपको, इसका डीपीआर ये भी 4 में? ये 4 में नहीं, ये नबार्ड में सर, नबार्ड में जो एक प्रपोजल आया था इसका ये बना दो, नबार्ड में ये वाला बना दिया, ठीक है? ये जो बिमना टू मलान है ये आपने भेजा है? उसमें है ये, लेकिन उसका अभी भी कोई हमें इसका नहीं आया है। 4 का कब से है एक्सपेक्टेड शुरुआत? 4 का अभी कुछ नहीं है सर, अभी गाइडलाइन में कुछ नहीं बताया सर, 4 का सर अभी कुछ नहीं, जब 4 का क्लोज होगा उसके बाद ही सर 4 का। अगर इसको नबार्ड में बना के भेजा जाए तो बना दीजिए, आपकी जिम्मेदारी है, आरएनबी को नहीं बोलूंगा मैं, ठीक है? ये दोनों सड़कें गई टू कोची गली और बिमना टू मलान माया शेखली, ये दोनों नबार्ड में बना के भेजिए, ठीक है? कब तक होगा? 10 दिन लग जाएंगे सर, हमें सर्वे 10-15 दिन में हम कर देंगे। 15 दिन का टाइम देते हैं इनको, 2 हफ्ते का, ठीक है? कर लीजिए। दूसरा एक ऐसे जनरल मुझे बताएं कि जिस सड़क से हमारी आपकी सड़क है सर, हमारी है ना, ये 10 किलोमीटर में आई है सर, ये हमारी है, ये लास्ट ईयर मेंटेनेंस में है सर, ये लास्ट ईयर मेंटेनेंस में है, इसकी इतनी बुरी हालत क्यों है? इसकी ब्लैक टॉपिंग होगी मेंटेनेंस में? हाँ, वो करेंगे। कब कराओगे? इसका कब खत्म हो रहा है पीरियड मेंटेनेंस का? इस साल एंडिंग में तो मार्च में इसकी ब्लैक टॉपिंग का प्रपोजल रखो, ठीक है? मार्च में सारी ब्लैक टॉप होनी चाहिए, मैं गर्मियों में फिर आऊंगा और क्या पता अगर जरूरत है लेकिन मैं सर्दियों में फिर भी जाऊंगा। इसमें पैच वर्क ही होगा जहां जहां पे पैच वर्क करिए, जो मेंटेनेंस में आपकी रिक्वायरमेंट है वैसे करिए, ठीक है? और इसकी जहां जहां पे ड्रेन ब्लॉक है वो देखिए। अभी रास्ते में तहसीलदार साहब आप सुनिए, रास्ते में मैं आ रहा था, एक जगह पे मैंने देखा एक कलवर्ट के नीचे लोगों ने झुग्गियां बना दी हुई है, और बिल्कुल कलवर्ट के बाद जहां पे नाला होना चाहिए वहां पे खेत बनाए हुए हैं बीच रास्ते में, चेक करिए। अगर कलवर्ट लोग ब्लॉक करना शुरू कर देंगे तो पानी कहाँ जाएगा? ये चीजें भी देखा करें, अगर आपके कलवर्ट्स कोई एनक्रोच कर रहे हैं, उसके नीचे घर बना रहे हैं, उसके नीचे मटेरियल रख रहे हैं, तो वो चलेगा नहीं, कल को फिर वही डैमेज होंगे जैसे ऊपर हुआ था, ठीक है? बैठ जाए। देन एसीबी साहब, अगला कोई जाकिर हुसैन साहब थे बाटा के, उन्होंने कहा था कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्राउंड एट दर्जगाह। सर ये हम आरडीडी में कर लेंगे, मैंने बीडीओ साहब को बोला कि उसका एस्टीमेट वगैरह बना लें, तो
कुछ मनरेगा में डालेंगे और कुछ किसी और कंप्लेंट लोकेशन आइडेंटिफाइड है सर, वहाँ स्कूल के सामने जगह है, वो लोगों ने उसके लिए दी हुई है, तो उसमें ही गल्प हो जाएगा सर। लोगों ने रिटर्न में दिया? दिया सर, दिया है वो सर, ऑलरेडी वो जगह यूज हो रही है, वो प्राइवेट स्कूल है, पीछे दर्जगा मीन्स कोई प्राइवेट स्कूल है, उसके सामने जगह है जो यूज होती है, तो उसको डेवलप करके पंचायत के अंदर यूज किया जा सकता है। वो उसका सर वॉलिंग करनी है और वो डेवलप हो जाएगा सर, प्लेइंग फील्ड बन जाएगा। रखिए इसको, ठीक है, आजकल प्लान बना रहे हैं। एक एडिशनल प्लान अंदर एमजी नरेगा था, वो कर दिया, मेरे से अप्रूवल ले लिया आए सर, अभी कुछ अवेटेड वीडियो साहब से भेजेंगे। वीडियो साहब इतना टाइम क्यों रखते हैं, 10 दिन हो गए, आज दे दीजिए। क्या काम रखे हैं उसमें सर? ज्यादातर यहाँ पे इनके प्रोटेक्शन वर्क्स ही रहते हैं सर, और कच्चा पाथ, सी पाथ, सी पाथ का सर एक साल बनाते हैं, दूसरे साल वो खत्म हो जाता है, क्योंकि खुदाई करते हैं छोटी छोटी, तो उसको वर्केबल बना लेते हैं, नेक्स्ट ईयर जब बारिश वगैरह आती है उसमें फिर मलबा जाता है, फिर खराब हो जाता है। पत्थर वगैरह पत्थर सर ऊपर वाले एरिया में बहुत कम पत्थर है, जो इसके बैक एंड पे उसमें पत्थर बहुत कम है सर, ज्यादातर मिट्टी का एरिया है। सरपंच आपका एरिया सर ये है हमारे मलान, सरपंच आप जहाँ पे आपका पत्थर नहीं है फिर उसको अपने प्लान में रखवाइए, अपने प्लान में रखवा पक्का भी बन सकते हैं, एमजी नरेगा से अच्छे से कर सकते हैं, पत्थर से वो ठीक है, जहाँ पे नहीं चलता है वहाँ पे एटलीस्ट कुछ कंक्रीटिंग हो। इनका सर एडिशनल प्लान जो आएगा ना, उसको स्क्रूटनाइज कर लेंगे, जो उसमें बेस्ट फिजिबल वर्क होंगे। हाई स्कूल बिल्डिंग नॉट हैंडेड ओवर टू एजुकेशन डिपार्टमेंट, ये कौन से? ये बाटा का है सर। क्यों हैंड ओवर नहीं हुआ, किसने बनाया? भाटा में किसने बनाया? आरएनपी ने, समग्र में बनी है सर, वो बिल्डिंग बनी है बट यूजेबल नहीं है शायद। ये डिटेल्स मेरे पास लेके आए, समग्र के इंजीनियर कौन है यहाँ पे? अब समग्र सब मर्जी हो गया पीडब्ल्यूडी के साथ, डिटेल उनके पास भी हमें। हैंड ओवर हुआ है पीडब्ल्यूडी, पीडब्ल्यू साहब, धनी साहब, समग्र से हैंड ओवर नहीं हुआ, ये कराइए, ठीक है, मुझे डिटेल्स दीजिए 2 दिन बाद, ठीक। डिस्पेंसरी एट बाटा देसा, सीएमओ साहब, ये सर नई ही सेंटर है, सब सेंटर है, सब सेंटर है, उसमें वो जो है ही नहीं मेडिकल असिस्टेंट था, वो आप ले गए वापस वहाँ पे है नहीं। सर इसका ये इश्यू है कि हमारे पास स्टाफ बहुत कोर्ट की स्टाफ नहीं, ये हम मोबिलाईज करके चले, यहाँ मैंने किया पिछली बार, यहाँ भी मैंने वो डॉक्टर इकबाल को लाया, बागवा से लाया, यहाँ पे कितने रखे हैं एमडीपीएचसी? एक ही रखा सर, वही वहां से लाया, तो वो यहाँ पे स्टेशन रहना चाहिए ना, ठीक है सर। नीड्स टू बी स्टेशन है जो एमडीपीएचसी का आप बता रहे थे डॉक्टर इकबाल इन्होंने लाए हैं, क्या असेसमेंट आप लोगों की? डॉक्टर साहब काम करते हैं यहाँ पे, डॉक्टर साहब आते हैं, डॉक्टर इकबाल नाम के कोई कहाँ है डॉक्टर साहब? अच्छी देखिए क्या बैठे हैं डॉक्टर इकबाल, आप आगे आ जाए, आ रहे हैं सर, इज कमिंग सर। डोडा में रखे बसेरा आपने? बसेरा कहाँ रखा है? यहाँ क्यों नहीं रखा? आप एक चीज बताएं, आपको पोस्ट किया गया यहाँ पे भागवा में, अटैच किया है, तो आप डोडा क्या करने जाते हो? क्या डोडा है? एनटीपीएचसी में कमरा है? रूम तो सर, रूम का ये क्राइटेरिया नहीं रहना, आप एनटीपीएचसी में कमरा खाली है कोई? हाँ सर, इनके पास एक हॉल है, दो एक आपस में का और दो रूम और एक कमरा अपना रेजिडेंस बना उसी बिल्डिंग में, आप लोग दोगे इनको किराए पे? एनटीपीएचसी के पास घर किसके हैं? सर लोकली हैं, यहीं सर, यहाँ दे देंगे, वहाँ ये यहीं के हैं, बाटा के हैं, तो आप डोडा क्यों करने जाते हो? दूर चलना पड़ता तो ये लोग कैसे आपके पास चल के आएंगे डोडा पे? रात को इमरजेंसी भी बोल देखे गए तुम साहब, क्या हो रहा है आपके एरिया में? आप जाते नहीं एनटीपीएचसी चेक करने?
डॉक्टर साहब क्यों नहीं रुकते यहाँ पे, किस बात के तहसीलदार हो अगर ये चीजें चेक नहीं करते हो? डॉक्टर साहब, सीएमओ साहब, बी स्टेशन हेयर ओनली, यही कमरे में अपना बचेरा बनाओ, ठीक है? तहसीलदार साहब रोज चेक करोगे इनको आके, आप लोगों को किसी को शिकायत हो मुझे बताना, मैं डायरेक्शन दे रहा हूं। तो क्या हुआ आईसीएम डॉक्टर हूं तो क्या हुआ? अगर आपको यहां अटैच किया तो आप डोडा कैसे जा रहे हो? इनको क्वार्टर दिया होगा डोडा में? डोडा में अपना घर है, यहां पे रुको, ये स्टेशन नहीं छोड़ेंगे बिना मेरे से पूछे, ठीक है? इंश्योर करिए आज रात को अपना बसेरा लाइए, जाइए अभी निकले डोडा, डोडा जाओ, मेरे निकलने से पहले वापस आपका सामान आया होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपने बोला भाटा देसा में, तो जनरल